जैसे जैसे पाकिस्तान भिखारी बनता जा रहा है, वैसे ही पाकिस्तान की असलियत दुनिया के सामने आ रही है। और इस बार भिखारी पाकिस्तान की ऐसी धज्जियां उड़ी है जिसे भिखारिस्तान तब तक याद रखेगा जब तक वो दुनिया के नक्शे पर रहेगा, क्योंकि भिखारिस्तान के एक जर्नलिस्ट ने ये बिल्कुल साफ कर दिया है कि भिखारी पाकिस्तान अब भारत से युद्ध लड़ने की कंडीशन में नहीं है, क्योंकि दाने दाने को तरस रहे पाकिस्तान में अब हालात और भी खराब हो गए हैं, क्योंकि पाकिस्तानी सेना के पास हथियार तो हैं, लेकिन उन्हें चलाने के लिए डीजल नहीं है। और ये वैसे ही है जैसे पाकिस्तान के अंदर 21 करोड़ जनता तो है लेकिन उसे खाने के लिए खाना नहीं है। तो आइए अब आपको बता दें कि भिखारी पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हामिद बीर ने पाकिस्तानी सेना के पूर्व आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बजवा को लेकर जो बड़ा दावा किया है, उसने क्यों पाकिस्तान के साथ साथ सारी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। क्योंकि रिसेंटली डेज में आप लोगों ने भी इस खबर के बारे में सुना होगा कि पाकिस्तानी सरकार ने IMF से लोन लेने के लिए उसके सामने नाके रगड़नी शुरू कर दी हैं। और कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावे भी किए गए थे कि भिखारी पाकिस्तान की सरकार ने IMF से कर्जा लेने के लिए अपने परमाणु हथियारों की भी डील कर दी है। हालांकि जब ये खबर मीडिया में आई थी तो पाकिस्तानी सरकार ने ये कहकर पल्ला झाड़ दिया था कि वो घास की रोटी खा लेंगे लेकिन पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की डील नहीं करेंगे, जिसके बाद IMF ने भी भिखारी पाकिस्तान को कर्जा नहीं दिया था। लेकिन अब दुनिया को हैरान तो पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हामिद मीर ने कर दिया है, क्योंकि हामिद मीर ने यह दावा किया है कि पाकिस्तान के पूर्व आर्मी चीफ कमर जावेद बजवा ने भारत के सामने पूरी तरीके से आत्मसमर्पण कर दिया था और ये स्वीकार कर लिया था कि पाकिस्तानी सेना भारत से युद्ध नहीं लड़ सकती, इसलिए कमर जावेद बजवा ने LOC पर CG फायर कर दिया था। और हामिद मीर के इस दावे से भारत को बिना युद्ध लड़े ही पाकिस्तान पर एक बड़ी जीत मिली है, क्योंकि इस बड़े दावे से भिखारी पाकिस्तान को अपनी औकात का पता चल चुका है, क्योंकि हामिद मीर भिखारिस्तान के फेमस जर्नलिस्ट हैं, इसलिए हामिद मीर के बयान ने भिखारिस्तान में कम मचा दिया है। क्योंकि हामिद मीर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी जम के वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने कहा है कि कुमर जावेद बजवा ने 25 जर्नलिस्ट के सामने ये स्वीकार किया था कि भिखारिस्तान की सेना के टैंक काम नहीं करते और न ही सेना के पास इतना पैसा है कि इन टैंकों में डीजल डाला जा सके और भिखारी पाकिस्तान की सेना इस कंडीशन में भारत से युद्ध नहीं लड़ सकती, इसलिए कमर जावेद बजवा ने जम्मू कश्मीर पर ही एक बड़ी डील कर डाली और LOC पर युद्ध विराम कर दिया। अब मजे की बात तो यह है कि जिस भिखारिस्तान की सेना के पास टैंकों में डालने के लिए डीजल नहीं है, फाइटर जेटों को उड़ाने के लिए फ्यूल नहीं है और सबमरीन और वॉरशिप को चलाने के लिए बैटरी नहीं है, उस भिखारी पाकिस्तान का जनरल अरबों रुपए लूट कर विदेश चला गया और भारत को जम्मू कश्मीर के साथ साथ पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर यानी कि POK को भी दे गया और पाकिस्तान की सेना को भी भिखारी बना गया और मोदी की ताकत के सामने भारत बिना लड़े ही जीत गया।